गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यात्रा इन्फो, और स्वागत है आपका। और तो आज हम बताने वाले हैं आपको एक्सपल्स के 200 के जो 2022 मॉडल है हमारे, जो पीछे खड़ी हुई है, प्रोज एंड कॉन्स, इसमें क्या बुराई है, क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, क्यों इसको आप ले सकते हैं और क्यों आप इसको, अगर आपको लगता है। बाकी एडवेंचरर बाइक से मैं ये बताऊँगा ये कितनी सस्ती है या क्या इसका प्राइस है, सारा कुछ मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रोज से, जो इसके सारे फ़ायदे हैं इस बाइक को लेने के। तो गाइज, सबसे पहला प्रोज जो है इसका, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अबव 190 mm है, यानी कि आप इसको किसी भी ऊपर नीचे गड्ढों वाले रोड पे, ऊंचे ब्रेकर वाले रोड पे, या कहीं पे भी इसको चला सकते हैं, हिल माउंटेंस में चला सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं। कि हमने ये बाइक ली है, हमारे यहाँ पे रोड कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचे ब्रेकर्स हैं कहीं पे, तो हमने अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया है इस ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहला प्रोज जो है मेरा यही है कि ये बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं हम इस बाइक की, पार्ट अवेलेबिलिटी। हीरो की बाइक होने के वजह से इसके पार्ट ईजीली मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, इसके पार्ट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि ये हीरो की मोटरसाइकिल है। किसी ऊंचे ब्रांड की अगर मोटरसाइकिल होती है, जैसे कि BMW, कावासाकी और भी जो बाइकें होती हैं, उनका जो ब्रांड आप पार्ट बताते हैं कि हमें पार्ट चाहिए, अवेलेबल नहीं है, टूट गया, जो भी है, तो वो पार्ट आने में कम भी महीने भर का टाइम लग जाता है, एक महीना उस पार्ट को आने में लग जाता है। जैसे कि मैं आपको तीसरी चीज़ नहीं है, मैं आपको इसका एक फ़ीचर मान लो या फिर ड्रॉबैक जो भी मान लो वो बताता हूँ मैं आपको इसका। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा 24 किलोमीटर पर आवर मीटर, में जो 24 किलोमीटर पर आवर है, ये मेरी एवरेज नहीं है। ये मेरे को बाद में पता चला। पहले मैं इसको ना एवरेज सोचता था, कभी यहाँ पे 19 दिखाता था, कभी 18 दिखाता था, अभी 24 दिखा रहा है, कभी यहाँ पे 55 भी दिखा देता, 52 भी दिखा देता। ये क्या है कि आपकी एवरेज रेस क्या रही है बाइक की, यानी कि आपने किस स्पीड में कितने किलोमीटर तक बाइक चलाई है वो। गाइज, अब आते हैं इसके फ्रंट टायर की तरफ। जो फ्रंट टायर है इसका 21 इंच का कंपनी ने इसका फ्रंट टायर दिया हुआ है, और जो बैक टायर है इसका वो है 18 इंच का। तो इनके कम्बिनेशन के हिसाब से ये आगे, मतलब कितना भी ऊंचा हिस्सा होता है उस पर चढ़ने में आसानी होती है इस बाइक को, बाकी बाइकों के मुकाबले ये ईजिली चढ़ जाती है। जैसे कि सीढ़ियों पे चढ़ाना हो आपको, कहीं चढ़ाना हो, तो प्लेट लगी हुई है, इससे टकराने का भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, तो ये टकराता नहीं है किसी पत्थर के ऊपर या कहीं पे भी, साइलेंसर बहुत इजीली बाइक निकल जाती है आपकी। और अब हम आपको बताते हैं कि फ्रंट में इसमें ABS दिया हुआ है, ABS चैनल दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ये। हमने यूज़ करके देख चुके हैं, पिछले 1.5-2 महीने से हम इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, और ABS में अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और गाइस, इसमें ना आगे ABS है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, नॉन ABS, तो पीछे आगे दोनों में डिस्क दिया हुआ है। दूसरा आप आ जाते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, हीरो के बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मेरे भाई, हीरो के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनाई है कंपनी ने, सारी चीज़ें बहुत चीज़ों पर इसका ध्यान दिया हुआ है, हर चीज़ फाइबर जो भी इसमें लगाया है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से मैंने मेंटेन की है। ये भी इसके हम प्रोज में ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक रेडिएटर दिया हुआ है जो कि इंजन को कूल करता है, और जो इंजन ऑयल होता है वही इसके इसमें रेडिएटर में को पास होता है और वो इसको कूल करता है, मतलब कि ये भी इसका एक फीचर है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, और इसका सबसे मेन पॉइंट है ऐसे ही इसकी मेन फीचर पे, इसके मेन अभी एक और प्रोज पे आ जाते हैं। उसका मेन प्रोज है ये इसका सस्पेंशन। इस बाइक का सस्पेंशन बाकी बाइकों से अलग है, पर एडवेंचर बाइक जो होती हैं उसके हिसाब से इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे है, और आपको छोटे मोटे गड्ढों का, छोटे मोटे पत्थर का तो बिल्कुल भी पता चलेगा ही नहीं, इस बाइक के अंदर आराम से निकल जाएगी आपकी बाइक बिना किसी हेजिटेशन के। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से इसका फ्रंट मडगार्ड ऊँचा करके लगाया हुआ है, तो इसका सॉफ्टनेस इसके बीच में है, ताकि ये जब ये जाता है किसी गड्ढे में तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके दबता है। तो इसका ये सबसे बेस्ट पार्ट है मोटरसाइकिल का, जो इसका सस्पेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसकी मेन प्रोज में आता है। और गाइस, जैसे कि हम इसके आपको प्रोज बता रहे हैं, उस प्रोज में एक और प्रोज ऐड कर देते हैं हम, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर गाइस हम इसको पूरी इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में पूरी लास्ट तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो इसका एक और फीचर है, जैसे कि अभी सारी कॉस्टली बाइकें आ रही है, महंगी बाइकें आ रही है, एडवेंचर बाइकें आ रही हैं,
उसके अंदर क्या क्या आपको सेल्फ दिया है, पर इसमें सेल्फ के साथ साथ आपको किक का भी फीचर दिया हुआ है जो अभी तो पहले काम नहीं कर रहा था बहुत ये अच्छे से। हमने पहली सर्विस कराई, उसके बाद अब ये किक फीचर भी अच्छे से काम करने लगा है। तो इसमें सेल्फ और किक दोनों है, तो कहीं पर आपका सेल्फ अगर दिक्कत करता है तो आप किक से भी इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है इस मोटरसाइकिल का। पिछला मोनोशॉक सस्पेंशन है, वो भी आगे सस्पेंशन की तरह ही बहुत ही अच्छे से काम करता है, पर थोड़ा सा हार्ड है अभी। इसलिए हार्ड है शायद मोटरसाइकिल नहीं है, अभी धीरे धीरे वो सॉफ्ट लेवल पे चला जाएगा, बट बहुत ही अच्छे से काम करता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जैसे किट दी है हीरो ने कि आप इसको एक रैली किट खरीद सकते हैं, जिसमें कि आप इसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस करा देंगे। इसका ना कंप्लीट मॉडिफिकेशन हो सकता है बाइक का हीरो के थ्रू ही, ये इसका सबसे अच्छा फीचर है। आप इस पे पूरे ग्राफिक्स भी चेंज करा सकते हैं, इसमें रैली किट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइटें, और यहाँ पे भी आपका वो लग जाता है आपका जो टूल बैग लगाने के लिए होता है। तो इसमें पूरा आप चेंज करा के फिर से एक नई बाइक की तरह इसको फील लेके चला सकते हैं। ये अराउंड हमें बताया था जो उन्होंने अभी 22,000 का बताया था पूरा का पूरा रैली किट का, उससे बाइक का पूरा आपका चेंजेस हो जाते हैं पूरी बाइक। गाइस स्टार्ट करते हैं हम इसके कॉन्स के बारे में, तो हम बताते हैं इसके कॉन्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं बाइक में, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। गाइस ये क्या कि ब्लूटूथ का जो फीचर है मैंने अभी यूज़ किया था जब मैं दिल्ली गया था करोल बाग की साइड। इसमें क्या कि जैसे हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट भी अच्छे से हो जाता है, आपका जो लोकेशन है वो भी बढ़िया तरीके से दिखाता है। दूसरा अब दिक्कत क्या कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है इसमें कि जब हम किसी लोकेशन पे पहुँचने वाले होते हैं ये उस लोकेशन से पहले का एक कट दिखा देता है, यानी कि जब हम लोकेशन पे मुड़ रहे होते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे तो उससे बाद में दिखाता है कि आपको मुड़ना है, यानी कि ये अराउंड 100 मीटर का डिफरेंस रखता है, 100-200 कभी कभी। तो ब्लूटूथ इसका अच्छे से काम नहीं करता, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इसका ब्लूटूथ अच्छे से काम करने लगे। इसके ये है इसकी गद्दी मतलब सीट, दिक्कत क्या आती है बहुत हार्ड लेवल पे है। अभी हीरो ने बोला था पल्स ने एक्सपल्स बनाते टाइम कि ये वाली जो हमने मॉडल लॉन्च किया 2022 में, इसमें हमने सीट को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट किया है, पर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि 30-32 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाने पर ये काफ़ी हार्ड सीट है, काफ़ी दिक्कत करती है। तो कुशनिंग इसमें ना आपको बाहर से करानी पड़ेगी सीट में, और जो पिनियन राइडर है उसको और भी इसमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये सीट पे कम एक आदमी अच्छे से कंफर्ट बैठ जाता है। पिनियन राइडर को क्या होता है कि ब्रेक मारने पे पिनियन राइडर अपनी मतलब अच्छे से बैठ नहीं पाता, कंफर्टेबल नहीं हो पाता पिनियन राइडर। ABS दिया हुआ है, पर इस बाइक सेगमेंट में कंपनी आपको डुअल चैनल ABS भी दे सकती थी, मेरे को ऐसा लगता है। मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। लाइट है, कंपनी ने बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की है, और यहाँ पे छोटे छोटे दो इंडिकेटर भी लगाए हैं, जब ऑन ऑफ करते हैं तो ये जलते हैं, और हाफ लाइट आपकी जल जाती है। तो हाफ लाइट आपकी जलती है, और जब आप इसको मेन पे लगा देते हैं तो आपकी ये फुल लाइट जलती है। पर ये लाइट जो है NF नहीं है रात को रोड पे, इतना मैंने अभी देख लिया है, रात को ये दिक्कत करती है हाईवे पे, मतलब यूज़लेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब इतना यूज़ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लाइटें लगवानी पड़ सकती हैं इस बाइक के अंदर। अगर आप किसी अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइटें लगवानी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये लाइट यूजुअली इतनी मतलब लगी नहीं मेरे को अच्छी, जितना कि इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए हाईवे पे वो आ नहीं पाई थी। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट कौन पे इसके, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये बटन टायर दिए हुए हैं कंपनी ने इसके, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाते हैं अपने उस पर, अपने पत्थर वाले रोड पे गड्ढों में। बट हमने काफ़ी साइड्स पे इसको परचेज़ करने से पहले देखा था कि ये बाइक जो है अपना ट्यूबलेस टायर के साथ आ रही है, पर क्या है कि ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, कंपनी ने ट्यूब वाले टायर दिए हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये शायद ट्यूब वाले टायर ना होकर ट्यूबलेस टायर दे सकती थी कंपनी, तो मेरे को ये कौन लगता है इसका कहीं ना कहीं। प्रोज एंड कॉन्स आपसे डिस्कस किए इस वीडियो में, और क्या है कि आपके मेरे हिसाब से मेरे को यही लगे, और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, और भी हम इसमें वीडियो डालते रहेंगे आगे जो हमें लगेगा, क्या कि अभी हमें यही प्रोज एंड कॉन्स लगे। तो क्या कि आपके हिसाब से अगर आप कोई और राइडर है इस बाइक का तो उसको कुछ और लग सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मेरे को ये प्रोज एंड कॉन्स लगे, और ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके सेलेक्ट किए हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें, अपनी एक्सपल्स मोटो व्लॉग बनाते रहें, और हमें और भी मोटिवेशन मिले। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें,
गाइस, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और आगे आपको मोटो व्लॉग्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और अब हमें आगे कोई और पॉइंट लगता था वो भी हम डाल देंगे। अभी हमें ये पॉइंट लगे थे तो हमने ये बताया आपको, आपके साथ शेयर किए इसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।